चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किट के अगले टॉपिक के साइड। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू सेटअप ऑन प्रमाइसेस गिट सर्वर, हाउ टू सेटअप ऑन प्रमाइसेस गिट सर्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, आप सबको एक चीज पता है कि गिटहब में जाने के बाद आपको गिट सर्वर का प्लेट सैस की सर्विस आपको मिल जाती है, ठीक है। तो वहां पर कुछ गिट सर्वर जैसी बात नहीं आती, लेकिन कई इंडस्ट्रीज बोलती है कि हम गिट सर्वर अपने ही ऑन प्रमाइसेस पे लगाना चाहते हैं, या आप गिट सर्वर पे हम अब खुद कंट्रोलिंग चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने गिटहब पे जाकर सैस सर्विस ली है, तो वहां पर आपको गिट सर्वर की कंट्रोलिंग आपके हाथ में नहीं होती है, ठीक है। कंपनी बोलती है हम उसकी कंट्रोलिंग अपने पास रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब फिर आप गिट सर्वर खुद ही सेट करिए, तभी तो कंट्रोलिंग आएगी आपके पास। सैस की सर्विस में कंट्रोलिंग थोड़ी आती है। गिटहब तो आपको, गिटहब वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सैस की सर्विस वहां पर मिलती है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑन प्रमाइसिस में गिट सर्वर कैसे सेट किया जाता है। तो दोस्तों, आप मार्केट से सर्वर खरीद लें, उसके ऊपर सेटअप कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप वीएमवेयर के ऊपर वीएम बनाकर उस वीएम के ऊपर गिट सर्वर सेटअप कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप ओपन स्टैक के ऊपर एक वीएम बनाकर उसके ऊपर गिट सर्वर सेटअप कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप एक कदम और आगे निकलें, तो आप एडब्ल्यूएस पे जाकर एक इंस्टेंस क्रिएट कर लें, उसके ऊपर गिट सर्वर कर लें, सेटअप कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजोर क्लाउड के ऊपर जाकर एक वीएम क्रिएट कर लें, उसके ऊपर गिट सर्वर सेटअप कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल क्लाउड के ऊपर जाकर एक वीएम क्रिएट कर लें, उसके ऊपर आप सेटअप कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं वीएमवेयर के ऊपर वीएम क्रिएट करके उसके ऊपर हम यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं इस हाउ टू सेटअप ऑन प्रीमिसेस गिट सर्वर को अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए मैं आपके सामने तीन सर्वर का यूज करूंगा, बोले तो तीन मशीन का यूज करूंगा, ठीक है। तो एक मशीन मेरे पास ये है, एक मशीन मेरे पास ये है, और एक मशीन मेरे पास ये है। तीन मशीन हमारे पास रहेगी, ठीक है। एक मशीन को मैं एज अ गिट सर्वर कंसिडर करूंगा, और ये दो मशीन मेरे गिट क्लाइंट होंगे। तो एक को हम कंसिडर करेंगे गिट क्लाइंट वन, ठीक है, और एक को हम कंसिडर करेंगे गिट क्लाइंट टू। परफेक्ट। तो हम इसको एज अ गिट सर्वर कंसिडर करेंगे, इसको एज अ गिट क्लाइंट कंसिडर करेंगे, और इसको एज अ गिट क्लाइंट, राइट। अब जब आप गिट सर्वर बनाने जाते हैं या गिट क्लाइंट बनाने जाते हैं, तो ओएस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बताता हूं। तो गिट सर्वर पे आप लिनक्स भी चाहे तो रख सकते हैं, और विंडोज भी चाहे तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक इसी तरीके से गिट क्लाइंट में भी ऐसे ही है, आपका विंडोज भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओएस को लेके कोई रोक टोक यहां पर नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो में, मैं जिस ओएस को इस्तेमाल कर रहा हूं, उस ओएस का नाम यहाँ पे मैं बता दूं, मैं यहाँ पर सेंट ओएस ओएस को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे सर्वर गिट सर्वर में भी सेंट ओएस ओएस है, और गिट क्लाइंट में भी मैंने यहाँ पर सेंट ओएस ओएस रखा है, ठीक है। आपका गिट क्लाइंट में विंडोज 10, एक्सपी कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपको तीन चीज का, एक चीज और ध्यान रख के चलना होगा। ओएस के साथ साथ गिट सर्वर और गिट क्लाइंट में गिट का पैकेज होना मैंडेटरी है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वर पे भी गिट का पैकेज हो और क्लाइंट में भी गिट का पैकेज होना चाहिए। राइट, इधर भी। उसके बाद अगला आपको क्या ध्यान लेके चलना है कि तीनों में आईपी एड्रेस होने चाहिए, और वो तीनों सर्वर के साथ गिट क्लाइंट वन और गिट क्लाइंट टू दोनों कम्युनिकेट होने चाहिए, राइट। तो मैं आपको बता दूं, मेरे गिट सर्वर पे जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस है
192.168.177.128, ठीक है। और होस्ट नेम भी मैंने सेट कर रखा है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और सारा कुछ अभी मैं वेरीफाई भी आपको कराऊंगा git-server। इसी तरीके से मेरे गिट क्लाइंट वन पे जो आईपी एड्रेस है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 192.168.177.129। और होस्ट नेम जो मैंने सेट किया है वो भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं यहां पर, git-client1, ये मैंने होस्ट नेम रखा है। इसी तरीके से गिट क्लाइंट टू पे मेरा जो आईपी एड्रेस है वो भी मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, 192.168.177.120.132। और होस्ट नेम यहां पर मैंने रखा है गिट क्लाइंट टू, परफेक्ट। तो इसका मतलब मेरा गिट सर्वर के साथ ये क्लाइंट वन और क्लाइंट टू दोनों ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, गिट सर्वर पे जाके आप रिमोट रेपोजिटरी आपको बनानी है और क्लाइंट में जाकर लोकल रेपोजिटरी बनानी है, बस। तो मैंने आपको रेपोजिटरी की डेफिनेशन बताई थी, रेपोजिटरी कुछ भी नहीं होता यहां पर, आप कोई नॉर्मल फोल्डर पे जब वर्जनिंग इनेबल कर देते हैं तो हम उसे रेपोजिटरी नाम से कॉल करने लगते हैं, ठीक है। बस आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि गिट सर्वर पे जो रेपोजिटरी होगी वो रिमोट रेपोजिटरी कहलाएगा और क्लाइंट में जो रेपोजिटरी होगी वो लोकल रेपोजिटरी कहलाएगा, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या करना होगा कि हम लोग यहां पर गिट सर्वर पे जाके एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, फोल्डर का नाम हो गया mkdir, मैंने फोल्डर का नाम बना दिया इसे प्रोजेक्ट नाम से। अब ये एक सिंपल फोल्डर है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, सीडी करके फोल्डर के अंदर में जाकर, फोल्डर के अंदर जाकर मैं यहां पर एक कमांड चलाऊंगा git init space -fn bare। तो अब ये फोल्डर एक रेपोजिटरी बन जाएगा, रेपोजिटरी, और कौन सा रेपोजिटरी, रिमोट रेपोजिटरी, ठीक है। उसके बाद अब ये गिट सर्वर बन चुका है, बस गिट सर्वर बनाने के इतने ही स्टेप हैं। अब और बाकी जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज होते हैं, बोले तो ऑथेंटिकेशन वगैरह, वो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, इतना ही स्टेप फॉलो करने से गिट सर्वर बन गया। अब क्या करेंगे, अब क्लाइंट मशीन में जाएंगे, तो क्लाइंट मशीन में क्लाइंट अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेगा, जिस फोल्डर के ऊपर अपना कोड वोड, जिस फोल्डर के अंदर वो अपने कोड रखता है, कोड में चेंजेस करता है। तो समझ लो एक फोल्डर इसके पास है डेव वन नाम का, तो अब ये अपने डेव वन नाम के फोल्डर के अंदर जाएगा और इस फोल्डर के अंदर कमांड मारेगा गिट इनिट। तो ये भी एक रेपोजिटरी बन गया, लेकिन ये एक लोकल रेपोजिटरी है। अब तो ये क्या कहला गया, इस रेपोजिटरी के अंदर डेवलपर्स अपना कोड रखेगा, बोले तो उसने अपनी कोड फाइल रखी है ये कोड, और उसके अंदर जाकर वो कोडिंग वगैरह करता है, और कोडिंग वगैरह जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसे सेव करेगा, उस फाइल को सेव करने के बाद वो उसे क्या करेगा, गिट के स्टेजिंग एरिया में उसे ऐड कर देगा। अब ये स्टेजिंग एरिया का जो टर्म्स है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो में, इस वीडियो में मैं ज्यादा चीजें अभी कमांड्स के बारे में ज्यादा नहीं बताने वाला, सिर्फ मैं आपको एक इंफ्रा समझाने जा रहा हूं। तो क्या बोल रहा था मैं, उसने अपनी कोडिंग वाली फाइल के अंदर चेंजेस किया और उसको सेव किया, सेव करके वो क्या करेगा, उसको गिट के स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देगा। उसके बाद वो उसे एक कमिट दे देगा, कमिट बोले तो एक टैग असाइन कर देगा, जस्ट काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद वो क्या करेगा, उसे पुश कर देगा उस कोड फाइल को। उस कोड फाइल को जब वो पुश करेगा तो इस सर्वर पे पुश करेगा, इस सर्वर के एड्रेस पे, इस सर्वर पे आके वो इस फोल्डर पे उसकी कोड फाइल पुश होके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया गिट सर्वर, ये हो गया गिट क्लाइंट। अब ठीक उसी तरीके से डेली डेली ये डेवलपर्स अपने कोड फाइल में चेंजेस करता है, चेंजेस करता है, और चेंजेस करने के बाद वो क्या करता है, पुश कर देता है, तो यहां पर आ जाता है। तो ये गिट सर्वर हो गया, यहां पर भी एक वर्जनिंग मेंटेन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये एक नया क्लाइंट आ गया, अब नया क्लाइंट भी उसी कोड फाइल पे काम करने वाला है, मतलब जिस कोड फाइल पे ये काम कर रहा था सेम कोड फाइल पे ये भी काम करने वाला है। तो अब इसको लेटेस्ट वाली जो कोडिंग फाइल में, बोले तो इस कोड फाइल में क्लाइंट वन ने बहुत सारी चेंजेस कर रखा था और यहाँ पर उसने पुश कर रखा है, अब ये एक हफ्ते बाद आया, छुट्टी से आया, अब ये भी उसी फाइल पे चेंज करना चाहता है, तो इसे तो लेटेस्ट वाला चाहिए ना, जहां तक इसने कर रखा है। तो ये
गिट क्लाइंट टू, ये क्या है गिट क्लाइंट टू है, ये गिट क्लाइंट टू गिट क्लाइंट वन से नहीं मांगेगा कि भाई तूने जो चेंजेस किया मुझे दे दे, ये क्या करेगा गिट सर्वर से जाकर पुल कर लेगा, तो उसे अप टू डेट वाला मिल जाएगा, और पुल करने के बाद ये भी उसी फाइल के ऊपर आगे कोडिंग करना स्टार्ट कर देगा, बोले तो ये भी अपना एक फोल्डर से क्रिएट कर लेगा MKDI, या जैसे इसने डेप टू बना लिया, ये भी उस फोल्डर के अंदर जाकर क्या कमांड चलाएगा गिट इनिट, तो इसका भी फोल्डर, इसके फोल्डर के ऊपर भी वर्चनिंग एक्टिवेट हो गया, मतलब ये भी एक रेपोजिटरी हो गया, तो लोकल रेपोजिटरी हो गया उसके ऊपर। उसके बाद उसने क्या किया, पुल किया, और पुल करके उसने भी चेंज वगैरह किया, और चेंज करने के बाद काम खत्म हुआ, ये भी यहाँ पे पुश कर दिया। तो देखिए ये कहला गया गिट क्लाइंट, ये हो गया गिट सर्वर, परफेक्ट। अब अगली बात ये आती है कि गिट क्लाइंट और गिट सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल होगा वो कौन सा होगा, तो कम्युनिकेशन चैनल जो होता है दोस्तों SSH होता है और HTTP भी होता है, तो दोनों में आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं SSH या HTTP, ठीक है। उसके बाद एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर हमने यहां पर कम्युनिकेशन चैनल SSH यूज कर रहे हैं, तो अब यहां से अगर ये क्लाइंट कोड को जब पुश करेगा तो SSH के थ्रू जब कनेक्शन बनेगा तो उससे पासवर्ड पूछेगा, राइट। अब वो चाहता है कि जब मैं पुश करूं तो पासवर्ड ना पूछे, तो सिंपल सी भाषा में आप लोगों ने SSH कमांड में पढ़ा, टॉपिक में पढ़ा होगा कि भाई SSH-keygen कमांड से ये की जनरेट करे, और की का दो की बन के आती है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की, तो पब्लिक की को यहां पर शेयर कर दे, ठीक है। जब आप SSH-keygen से की बनाते हैं तो कौन सी की बनती है, दो की बनती है, एक ID_RSA जो प्राइवेट होती है, और एक होती है ID_RSA.pub। तो आप सबको पता है कि जब आप पब्लिक वाली की को यहाँ पे कॉपी करते हो और कॉपी होने के बाद फिर आप SSH कनेक्शन बनाते हो तो आपसे पासवर्ड नहीं मांगता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पर गिट क्लाइंट की तो बनाएगा, और की को बनाने के बाद ID_RSA.pub वाली की जब सर्वर को शेयर करेगा तो उससे सर्वर का पासवर्ड मांगेगा, लेकिन मैं हम लोग यहाँ पर क्लाइंट को सर्वर का पासवर्ड शेयर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब गिट क्लाइंट जब फर्स्ट टाइम की को शेयर करेगा तो उससे पासवर्ड देंगे, तभी तो पासवर्ड टाइप करके शेयर कर पाएगा, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर गिट क्लाइंट को कोई पासवर्ड नहीं देंगे, हम गिट क्लाइंट को ये बोलेंगे कि भाई तू जो भी की बना रहा है और की का जो ID_RSA.pub है जो पब्लिक की है, उस फाइल को तू हमें दे दे, मतलब गिट एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो क्लाइंट से मांग लेगा वो फाइल, और गिट एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा गिट सर्वर पे जाकर वो .ssh के अंदर एक authorize_keys नाम की फाइल बनाएगा और उसके कंटेंट को वहां पे पेस्ट कर देगा, बस। अब बोलेगा गिट क्लाइंट को तू पुश कर, तेरे से पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो हम कोई भी क्लाइंट को गिट सर्वर का पासवर्ड शेयर नहीं करते, यहां पर एक सिक्योरिटी रीजन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं, और इस प्रैक्टिकल के लिए आपको पहले ध्यान रखना है कि नेटवर्किंग वगैरह आप कर लीजिएगा पहले से, ठीक है। मैं आपको इस प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो तीन मशीन है, तीनों मशीन में नेटवर्क कॉन्फिगर है, विद आईपी एड्रेस के साथ कॉन्फिगर है, और सब में इंटरनेट भी चल रहा है, ठीक है। तो सब में अगर इंटरनेट भी चल रहा है तो मुझे बस यहाँ पर यम इंस्टॉल गिट कमांड मारनी है सब में जाके, बस। अगर मान लो कभी किसी सिनेरियो में आपके मशीन पे इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप यम इंस्टॉल गिट करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा गिट का जो पैकेज आपको अपना यम की लोकल रेपोजिटरी बनाकर वहां पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मेरे सिस्टम पे इंटरनेट चल रहा है तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक रेपोजिटरी से उठा के इंस्टॉल कर देगा, या फिर आपके सामने एक और तरीका है। वैसे मैं आपको बता दूं, हर एक लिनक्स ओएस के अंदर गिट, हर लिनक्स ओएस अगर आप यूज कर रहे हो तो लिनक्स ओएस की जो डीवीडी फाइल होती है उसके अंदर जो आरपीएम होते हैं वहां पर गिट का आरपीएम बाय डिफॉल्ट होता है, तो आपको कोई गूगल से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है गिट का आरपीएम। आपका जो डीवीडी के अंदर जो डीवीडी के अंदर जो पैकेजेस नाम का फोल्डर है वहीं पर आपको आरपीएम मिल जाएगा, ठीक है। या फिर डाउनलोड करना भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप सीधे यहां पर जाएं इंटरनेट में और क्या लिखें, गिट आरपीएम डाउनलोड, तो बस यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ये देखें, क्लियर। या सबसे बेस्ट है कि आप अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा अपने सिस्टम पे VMware पे इंटरनेट रन कर लीजिएगा, ठीक है। और इंटरनेट रन करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप सबने अगर लिनक्स को पढ़ा है और लिनक्स के नेटवर्क के टॉपिक को पढ़ा है
तो मैंने उसमें बताया था कि आप DHCP प्रोफाइल किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। हम इस तरीके से NM से ले कनेक्शन ऐड कॉन नेम, कनेक्शन का नाम DHCP, इफ नेम, इंटरफेस का नाम टाइप इथरनेट, ऑटो कनेक्ट यस, ये लो DHCP प्रोफाइल सेट हो गई। बस इसको NM से ले कनेक्शन अप DHCP, बस हो गया। तो देखिए इसको IP मिल गई DHCP से, ये देखिए गेट सर्वर आया मेरा, और पिंग करिए इंटरनेट तो परफेक्ट हो रहा है। ऐसे गेट क्लाइंट वन पे आ जाता हूं, यहां पर भी दिखा देता हूं, यहां पर भी सेम काम कर लीजिए। NM से कनेक्शन ऐड कॉन नेम DHCP, इफ नेम ENS, टाइप इथरनेट, ऑटो कनेक्ट यस, बस बात खत्म। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इंटरनेट रन कर लिया दोनों मशीनों में, और तीसरी मशीन अभी मैं बाद में ऑन करूंगा, एक्चुअली स्पीड स्लो हो जाता है इसलिए मैंने इसको ऑन नहीं किया है। इस पे भी मैं आपको IP वेरीफाई करा देता हूँ, देखिए परफेक्ट। चलो अब मैं यहाँ पर पिंग किया www.google.com, परफेक्ट। चलो तो अब चलते हैं गिट सर्वर पे, और गिट सर्वर पे हम पहले गिट का पैकेज डालते हैं, यम इंस्टॉल गिट। तो देखिए उठा लेगा ये, चलो परफेक्ट। ऐसे गिट क्लाइंट वन पे भी जाके हम पैकेज डालते हैं, यम इंस्टॉल गिट, बहुत इजी है दोस्तों ऑन प्रीमिसेस गिट सर्वर बनाना। परफेक्ट। अब चलिए तो हम यहां पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे थ्योरी में हमने देखा था प्रोजेक्ट नाम का, बस ये अभी ये एक फोल्डर है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये रेपोजिटरी बन जाएगा। और कब रेपोजिटरी बनेगा, जब मैं इस फोल्डर के अंदर आके कमांड किया हमारा गेट हाइफन हाइफन बेयर, तो ये एक रिमोट रेपोजिटरी बन गया, परफेक्ट। अब चलिए गिट क्लाइंट में, अब ये गिट सर्वर बन गया। अब गिट क्लाइंट में आइए दोस्तों, गिट सर्वर बनाना देखिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इतने जल्दी बन गया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी आप कर सकते हैं कुछ सिक्योरिटी को लेकर, ऑथेंटिकेशन को लेकर, वो एक अलग चीज है, बट बेसिकली अगर हम बात करें तो गिट सर्वर ये रेडी हो चुका है। अब हम गिट क्लाइंट पे जाते हैं, और गिट क्लाइंट पे जाकर हमने यहां पर एक फोल्डर बनाया जैसे dev-1 नाम का, ये क्लाइंट ने बनाया, और इसके अंदर इसने गया ये देखिए, और इसके अंदर जाकर इसने क्या किया, इसने इसके अंदर जाकर क्या किया, यहां पर गिट इनिट, राइट। तो ये आप देखिए गिट जब इसने इनिट किया तो ये लोकल रेपोजिटरी बना, और जब यहां पर गिट इनिट हाइफन बेयर किया तो ये रिमोट रेपोजिटरी बना, परफेक्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर एक कोड फाइल है, मान लो ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा है ये डेवलपर, तो इसने कोड लिखना स्टार्ट किया और यहाँ पर लिखा वेलकम टू इंडिया, परफेक्ट। और इसने कोडिंग किया, और कोडिंग करने के बाद अब ये क्या करेगा, इसको गिट के स्टेजिंग एरिया में ऐड करेगा। अगर मैं यहां पर गिट शो करूंगा तो देखो आपको, सॉरी, यहां पर गिट स्टेटस अगर मैं यहां पे करता हूं, तो यहां पर देखिए अनट्रैक्ड है ये फाइल, अभी कोई अनट्रैक्ड कंडीशन में है, ठीक है दोस्तों। तो हालांकि इस वीडियो में मैं आपको गिट के कमांड्स के बारे में नहीं अंडरस्टैंड करा रहा हूं, इस वीडियो में हम सिर्फ एक इंफ्रा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो कमांड को भी आप ज्यादा फोकस मत करिए,
अगले वीडियो में मैं गिट के कमांड्स को मोर एंड मोर एक्सप्लेन करूंगा कि ये गिट स्टेटस क्या कर रहा है, गिट सो क्या कर रहा है, ये सारी चीजें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप मोटा मोटे इतना ध्यान रखिए कि आपने एक फाइल क्रिएट किया है, फाइल के अंदर आपने कंटेंट रखा है और बस हमें इसे पहले स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है और स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के बाद फिर हम इसे कमिट करेंगे, राइट? क्योंकि कमिट करने से पहले आपको उसे स्टेजिंग एरिया में ऐड करना होता है। अगर आपने उसको स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं किया तो आप उसे कमिट नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए मुझे उसे कमिट करना है, इसलिए मैंने उसे स्टेजिंग एरिया में ऐड करना पड़ेगा और स्टेजिंग एरिया में ऐड करने की कमांड क्या है, गिट ऐड बस, और फाइल का नाम। तो ये स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गई, ठीक है? तो अब जब स्टेजिंग एरिया में जब ऐड हो गई और मैं अगर गिट स्टेटस चलाऊंगा तो बताइए ये स्टेजिंग एरिया में अब ऐड हो चुकी है, परफेक्ट। अब मुझे इसे कमिट करना पड़ेगा। कमिट कुछ भी नहीं है, आप उसे एक टैग दे रहे हैं, बोले तो टैग असाइन कर रहे हैं उसके ऊपर बस। तो कमिट के लिए कैसे होता है, गिट कमिट हाइफन एम फॉर मैसेज और मैंने यहां पे बोल दिया फर्स्ट टाइम, ये लो फर्स्ट टाइम मैंने लिख दिया और फाइल का नाम ये लो। तो इसको मैं कमिट कर दिया और अंडर प्रोसेस में है ये। तो इसने देखिए मुझे कुछ बोला है, कह रहा प्लीज टेल मी हु यू आर, कह रहा भाई आप बताओ कौन हो आप। तो ये मुझे नहीं करने दे रहा, कह रहा कि भाई अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन बताओ। तो आपको कह रहा ये कमांड रन करो, तो चलिए भाई रन कर देते हैं। और ये हमसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है और क्यों मांगता है ये सारी चीजें हम बात करेंगे। अभी सिर्फ हमें ये डिफाइन कर देते हैं बस। आप यहां पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दिया, जैसे मैंने बोला cloudknowledges.com, परफेक्ट। इसी तरीके से मैंने config-global user.name, परफेक्ट। तो अब हम यहां पे कमिट करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कमिट हो गया। अब कमिट करने के बाद हमें इसे पुश करना है गिट सर्वर पे, लेकिन गिट सर्वर पे पुश करने से पहले आपको गिट सर्वर के अंदर जो रिमोट रिपोजिटरी है उस पूरे लिंक को गिट क्लाइंट पे ऐड करना होगा, राइट? तो उसको ऐड करने के लिए क्या होती है, पहले मैं गिट सर्वर का पाथ देख लेता हूं, ये पाथ है। तो ऐड करने के लिए होती है कमांड गिट रिमोट ओरिजिन, सॉरी गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और रूट एट द रेट 172.192.168.177.128 के अंदर प्रोजेक्ट नाम का बोला, ये लो ऐड कर लिया, परफेक्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, गिट पुश ओरिजिन टू मास्टर, ये लो। तो अब देखिए आपसे SSH बेस कनेक्शन बना रहा है तो फिंगरप्रिंट और आपसे पासवर्ड मांग रहा है, परफेक्ट। तो पासवर्ड आप नहीं डिफाइन करना चाहते, नहीं टाइप करना चाहते क्योंकि गिट सर्वर ने आपको पासवर्ड दिया भी नहीं है, तो फिर क्या करें? या तो पासवर्ड दिया है तो फिर आप क्लाइंट पासवर्ड टाइप कर देगा, बट एक्चुअली गिट सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो किसी भी क्लाइंट्स को, गिट क्लाइंट को पासवर्ड नहीं देता गिट सर्वर का। उसे बोलता है कि तू एक काम कर, SSH-keygen से की बना, और जब तूने की बनाई होगी तो तेरे होम अकाउंट में की आ गई होगी इस फोल्डर के अंदर, देखो दो की आ गई, तो तू id_rsa.pub वाली की मुझे दे दे। अब कई बार गिट क्लाइंट क्या करता है, खुद ही यहां से कॉपी करने लग जाता है ऐसे करके, ले भाई मैं खुद ही अब की को कॉपी कर देता हूं तेरे उसमें गिट सर्वर में, इस तरीके से। तो पासवर्ड मांगेगा फिर से कॉपी करते टाइम, और पासवर्ड तो गिट क्लाइंट को गिट एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया ही नहीं है। तो गिट एडमिनिस्ट्रेटर क्या बोलता है गिट क्लाइंट को, तू की बना और की बनाकर उसके कंटेंट मुझे दे दे बस, ये तू मुझे दे दे बस, ये चीज मैं गिट सर्वर पे तेरे को कैसे ऑथेंटिकेशन पास करना वो मैं डिफाइन करूंगा, तू बस मुझे की बनाकर दे दे। तो एक्चुअल में ये काम करता है गिट क्लाइंट, ठीक है ना?
गिट क्लाइंट के पास, गिट क्लाइंट को हम कभी भी गिट सर्वर का पासवर्ड नहीं देंगे, बात ध्यान रखना दोस्तों, राइट। अगर किसी कंपनी में कोई दे रहा है तो समझ लो आप सिक्योरिटी को लीक कर रहे हो। एक मिनट रुकना, चलो तो ये चीज हमने कॉपी किया यहां से, गिट सर्वर पे गया, और गिट सर्वर पे कहां पे जाना है, इसके होम अकाउंट में डॉट एस एस एच नाम के फोल्डर, एक्चुअल में एस एस एच है नहीं तो आप बना लीजिए डॉट एस एस एच, तो देखिए बन गया। अब डॉट एस एस एच पे जाइए और यहां पर एक फाइल जनरेट करिए, वी आई एम, फाइल का नाम क्या रखना है, अथोराइज, authorized underscore keys, परफेक्ट। तो और उसके बाद आप वो कंटेंट यहां पर पेस्ट कर दें, ये लो हमने यहां पे पेस्ट किया, बस फाइल को सेव करके बाहर आए, और इतना करने के बाद फिर गिट क्लाइंट वाला क्या करेगा, अब पुश करेगा यहां पर अपने उस फोल्डर पे गया हो dev-1 के अंदर, और अब कमांड चलाएगा गिट पुश ओरिजन टू द मास्टर। तो देखिए पुश हो गया। अब गिट सर्वर पे अगर मैं जाऊंगा और गिट सर्वर पे अगर मैं जाकर अब मैं गिट सर्वर पे अगर जाकर कमांड मारा चलाता हूं गिट लॉक्स, तो देखिए यहां पर आ चुकी है। और अगर मैं यहां पर कमांड मारता हूं गिट सो, तो देखिए परफेक्ट दोस्तों। अब थोड़ा सा और दिखाता हूं, अब मान लीजिए इसने क्या किया अपनी फाइल पे खुद फिर से चेंजेस किया, देखिए अब इसने एक लाइन और लिख दिया वेलकम टू AWS क्लाउड, परफेक्ट। और अब ये क्या करेगा, उसे कमिट करेगा, राइट। अब उसे कमिट किया, अब उसने कमिट करते टाइम उसने बोला कि भाई ये मैं सेकंड टाइम कमिट कर रहा हूं, ये लो कमिट किया। अब कमिट करके क्या करेगा, गिट पुश ओरिजिन टू मास्टर, ये लो ये लो। अब गिट सर्वर पे आइए, यहां पर गिट शो करिए, देखिए कह रहा है एक लाइन ऐड हुई है, राइट। हालांकि आपको अभी इतना नोटिस नहीं करना कि गिट शो क्या है, गिट कमिट क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, अभी मैं कमांड्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैं आपको एक फोकस उस फोकस की तरफ लेके जा रहा हूं कि गिट को अंडरस्टैंड करें, गिट सर्वर को, ठीक है। चलो अब ये गिट क्लाइंट वन है हमारे पास, अब देखिए अब मान लीजिए हमारे पास गिट क्लाइंट टू आ गया, ठीक है। हालांकि मेरे पास अभी गिट क्लाइंट टू को मैं ऑन कर लेता हूं, और ये मेरा गिट क्लाइंट टू, इसको समझ लेते हैं, मैं यहां पर रीनेम कर लेता हूं गिट क्लाइंट टू, ठीक है, ये इसको हम एज ए गिट क्लाइंट टू अंडरस्टैंड करते हैं।
चल ऑन कर लेते हैं इसे भी। तो ये तीसरी मशीन आ गई हमारे पास, डीप क्लाइंट टू। थोड़ा सा स्लो है। चलो तो हमने यहां पर क्या करना है, यम इंस्टॉल गिट पैकेज डालना है बस। और ऐसा समझो कि एक नया गिट क्लाइंट आ गया, राइट। और ये भी उसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, तो ये गिट क्लाइंट वन से कोड नहीं मांगेगा, ये गिट सर्वर से पुल, बोले तो गिट सर्वर से पुल कर लेगा, ठीक है। चलो तो अब इसने क्या किया, बहुत ज्यादा स्लो कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ। ठीक है ठीक है, चलो हो गया। MKDIR, इसने dev2 नाम का फोल्डर बनाया और dev2 के अंदर इसने गया और इसको भी एज ए रेपोजिटरी बनाया गेट इनिट कमांड से। उसके बाद ये क्या करेगा, इसके पास करंट डेटा नहीं है तो ये गिट सर्वर से पुल करेगा। तो कैसे पुल करेगा, उसके लिए इसने कमांड चलाया गिट क्लोन, ठीक है। और क्लोन के बाद उसने बोला रूट एट द रेट, पूरा एड्रेस दे दिया 192.168.177.128, और उसके बाद बोला रिमोट रेपोजिटरी, ये लो उसने पुल कर लिया। वही पुल करते टाइम भी इसे पासवर्ड मांगा, तो अब गिट सर्वर तो उसे पासवर्ड देगा नहीं, तो
इस क्लाइंट को भी क्या बोलेगा कि तू एसएसएच कीजन से, तू एसएसएच कीजन से की बना और की मुझे दे, इसे भी ऐसे बोला जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, यहां जाएगा, की बनाया उसने, उसने भी कैट किया आईडी अंडरस्कोर आरएसए, rsa.pub को इसने ओपन किया, और ये यहां से इसने क्या करना है, यहां से इसने कॉपी करने हैं और गिट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिया। अब गिट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा इसका, आप लोगों को पता है, गिट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर अपने .ssh के अंदर जाएगा, हिडन फोल्डर के अंदर, और यहां पर उसने ऑलरेडी एक फाइल बना रखी है, उसी फाइल के अंदर जाएगा और यहां पर नीचे वाली लाइन पे उस क्लाइंट का पेस्ट किया, बस बात खत्म। अब ये क्लाइंट टू क्या करेगा, अब ये क्लाइंट टू अब करेगा क्लोन, कोई समस्या नहीं आएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों क्लोन हो गया। तो इस तरीके से गिट सर्वर और क्लाइंट के बीच में मैनेजमेंट की जाती है। देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए उसके पास पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आ गया, और देखिए कोड फाइल, उसके अंदर सारी चीजें। अब ये भी वहां उस पे चेंजेस करना स्टार्ट कर देगा और फिर उसे पुश करता है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल कि ऑन प्रेमिसेस में गिट सर्वर कैसे बनाते हैं। और यहां पर हमने जो कनेक्शन बनाया है गिट सर्वर और क्लाइंट के बीच में, एसएसएच को यूज किया है। अब मैं आपको बता दूं, कंपनी के अंदर गिट सर्वर इतना ही बनाकर नहीं छोड़ा जाता, कई नंबर ऑफ चीजें ऑथेंटिकेशन बेस इंप्लीमेंट की जाती हैं, राइट? जैसे ओएस हार्डनिंग से लेकर सारी चीजें गिट सर्वर पे की जाती हैं, इसी तरीके से आप एचटीटीपीएस बेस भी कनेक्शन बना सकते हो गिट क्लाइंट और गिट सर्वर के बीच में। तो एचटीटीपीएस बेस कनेक्शन कैसे बनाते हैं गिट क्लाइंट और गिट सर्वर के बीच में, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है? और अभी इस वीडियो में मैं जितनी भी कमांडे यूज किया था दोस्तों, उस कमांड में आपको अभी माइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिट की जो कमांड्स हैं वो सारी चीजें मैं मोर एंड मोर एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है दोस्तों? तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल ऑन प्रेमिसेस पे गिट सर्वर कैसे सेटअप करते हैं। हालांकि आप सबको पता है कि अगर आप ऑन प्रेमिसेस पे गिट सर्वर सेटअप नहीं करना तो गिटहब में जाकर आप वहां पर सैस की सर्विस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? जो कई कंपनियां ऑन प्रेमिसेस गिट सर्वर नहीं लगाकर वो क्या करती हैं, यहां पर जाती है, मैं आपको दिखा देता हूं, गिटहब में जाती हैं वो लोग, ठीक है? और गिटहब में जाके अकाउंट क्रिएट करते हैं, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। तो रेपोजिटरी जब वहां पे वो क्रिएट करते हैं तो दो टाइप की रेपोजिटरी वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, एक पब्लिक रेपोजिटरी या प्राइवेट रेपोजिटरी, ठीक है? पब्लिक रेपोजिटरी फ्री को होती है, प्राइवेट रेपोजिटरी का चार्ज होता है, तो वो लोग आपसे चार्ज करते हैं, और वो रेपोजिटरी बैकएंड में जिस भी सर्वर पे होगी उस सर्वर का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, वो सर्वर का एक्सेस गिटहब के पास होगा, ठीक है? सिर्फ आपको रेपोजिटरी दे दी जाती है और आपको बोला जाता है कि आप अपने क्लाइंट्स को ये रेपोजिटरी शेयर कर दें, वो लोग इस पे पुश कर लिया करेंगे। तो ये चीज होती है गिटहब, जो वहां पर सेल्स की सर्विस मिलती है। हालांकि मैं गिटहब के ऊपर भी आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके से वहां पर प्राइवेट रेपोजिटरी सेट करते हैं, किस तरीके से पब्लिक रेपोजिटरी सेट करते हैं, किस तरीके से क्लाइंट्स वहां पर पुश करेगा, किस तरीके से क्लाइंट्स ऑथेंटिकेशन कैसे यूज करेगा, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। ये एक आपके लिए छोटा सा एग्जाम्पल था ऑन प्रेमिसेस में गिट सर्वर किस तरीके से सेटअप करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और दोस्तों अगर ये आपको समझ में आया तो आप मेरे क्लाउड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो आप शेयर करें, ठीक है दोस्तों? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।